अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली फरीद ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू करेंगे। आज स्कूल है, लास्ट जुमेरात है। जुमेरात स्कूल छोड़ के और आएंगे आएंगे नहीं कुछ मेरे को टॉप अप सिलाना है ईद के लिए, क्योंकि बहुत जल्द इंडिया जा रहा हूँ ईद के लिए। समझो ईद की नमाज़ इंडिया में होगी इंशाल्लाह, टिकट भी बुक होगी, लेकिन तारीख नहीं बताऊँगा। लेकिन बहुत मुसीबत से जा रहा हूँ, वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे नहीं, क्योंकि बस हो गया बस अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत प्रॉब्लम झेल रहा हूँ। लेकिन जो फ्लाइट का जो वेटिंग है ना, उसके बारे में बहुत मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बताएंगे धीरे धीरे इंशाल्लाह। तो अभी चलेंगे मदरसा। अब मेरा छठवां रोज़ा है, ठीक है, छठवां रोज़ा है, आज जुमेरात है। ये ब्लॉग मैं जुम्मा के दिन पोस्ट करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि बोल नहीं सकते काम कितना लगता है। तो चलेंगे देखेंगे। अभी सब बच्चों को छोड़ दिया घर, 9:30 बज रहा है टाइम। अभी एक मेरे को एक दुकान ढूंढना है, जो तोप सिलते नहीं है सऊदी, जो पहनते नहीं है तोप मेरे को सिलवाना है ईद के लिए। लेकिन दुकान पता नहीं कहाँ पे है, पूछना पड़ेगा किसी को यहाँ पे। अभी मैं ना घर वापस आ गया, 3-4 लोगों से पूछा, सुबह सुबह नहीं खुलते, रात में खुलते हैं टाइलर दुकान, तो इसीलिए सोचा कि चलो रात में जाएंगे। तो अभी छोड़ के आ गए, नींद आ रही है मेरे को, सोऊंगा फिर आपसे बाद में मिलूंगा। चैन से सो रहा था, 2 बज रहा है टाइम, 2:30 बज रहा है, ड्यूटी का फ़ोन आ गया, अभी ड्यूटी जा रहा हूँ। बहुत ख़तरनाक धूप है भाई, साफ़ किया था, इतनी ख़तरनाक धूप है। गाड़ी तो साफ है, कल धोया था उसको। धूप देखो भाई, धूप, गर्मी का टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है। ये देखो 40 के करीब है, अभी गाड़ी रुकी है ना, तो अभी आगे जाऊंगा तो 40 हो ही जाएगा। पता नहीं कहाँ जा रही है बख्तावरनी। धूप देखो, कोई भी होता ही नहीं इधर धूप में, पता नहीं अभी कहाँ जा रही धूप में। तो मैं आया हूँ ड्यूटी रियाद पार्क मॉल में, अभी उसको छोड़ दिया, छोड़ के मैं जा रहा हूँ उसकी सहेली के घर को, रोड सलमान में, जहाँ पे रहती है सलमान, सलमान में। अभी चल के देखेंगे वहाँ, पता नहीं क्या लेना है, सामान लेना है, कुछ सामान लेके आएंगे जाके। तो भाई जा रहा हूँ छठवां रोज़ा छोड़ने के लिए मस्जिद को, अभी 5:30 बज रहा है टाइम, क्योंकि कल बहुत लोग, ज़्यादा लोग थे, खाना कम था, तो थोड़ा जल्दी जाके घेर लेंगे, जगह पकड़ लेंगे। ये आ गया मैं, कुछ बना ही नहीं अभी तलक, बात ही नहीं बनी अभी तलक। तो गाइस फाइनली 11 बज रहे रात के, तो मैं आया हूँ रोड में, रोड तकासूसी में ड्यूटी आया हूँ, क्योंकि इतनी देर में रोज़ा खोल गा के नमाज़ पढ़ के सो गया था मैं, ईशा की नमाज़ को भी नहीं गया। बराबर 10 बजे मुझे ड्यूटी का फ़ोन आया और 10 बजे उठ के ड्यूटी आ गया। अभी 11 बज रहा है टाइम, तो अभी ड्यूटी आया हूँ। यहाँ पे एक मॉल है, कॉफ़ी शॉप, इधर आया हूँ। अभी पता नहीं इधर से वो उधर जाना है, क्या नाम उसका, रियाद गैलरी मॉल को जाना है फिर इधर से, तो अभी उधर भी चलेंगे इधर भी चलेंगे, दिखाता हूँ। शायद नया बनया है ये, क्या नाम है ये, ओपी ओपी, इससे अच्छा यूपी लिख देते, उत्तर प्रदेश। ये है तकासूसी रोड, तकासूसी रोड में मैं इधर ही हूँ। अभी इधर के पीछे जानेंगे क्या नाम उसका, रियाद गैलरी मॉल को। अभी 1 घंटे से पहले निकलेगी नहीं पता नहीं, अरे इसको घर जाने तक 2 बजाना है इसको टाइमिंग, तो अभी देखेंगे यहाँ से कितने बजे निकलती है। ये है हमारी ड्यूटी, ये है हमारी जिंदगी। रियाद गैलरी मॉल 2 गेट पे आया हूँ मैं, पिछले पहले जाता था उधर 5 गेट में, 4 गेट में, अभी आया हूँ इस साइड, पीछे साइड में, पीछे साइड कुछ नहीं है, सिर्फ गाड़ियाँ, इतना जाम है ना, मुझे लग रहा कुछ ऑफर ऑफर होगा इसमें,
बहुत जाम लगा हुआ है, पूरी लेडीज भरी हुई है अंदर। देखो 1:30 बज रहा है, अभी मुझे फोन आया है, मैं जा रहा हूँ 5 नंबर गेट में, वहां पे रुकी है वो, तो चलेंगे अभी। देखो रात में नींद मार के आया था मैं, अच्छा हुआ अभी नींद नहीं आ रही मेरे को। कल जुम्मा है, छुट्टी भी है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सोएंगे तैयारी करके नमाज पढ़ के। देखो वो जो मॉल दिख रहा है ना, वो ओलैया रोड में है, वो ओलैया रोड है, मलिक फात इधर बाजू में, मलिक फात लेफ्ट में, मलिक फात राइट में, ओलैया रोड, दोनों के बीच में ये फंसा है। देखो रमज़ान के लिए इसको भी सजाया हुआ है, चांद तारा। वैसे भी पूरा सऊदी सस्ता है, मतलब सजाते हैं, मज़ा आता है देखने में, इससे अच्छा तो ईद में मज़ा आता है। जो ये सऊदी अरब के टैक्सी है ना, अभी यहाँ पे अभी दुबई का सिस्टम कर रहे हैं इसमें, मतलब अंदर पूरा कैमरा, टीवी स्क्रीन, गाड़ी कहाँ जा रही, कस्टमर को लेके कहाँ पे नहीं, सब पुलिसों के हाथ में होता है। अभी अभी टैक्सी वालों की फटने वाली है, क्योंकि कोई हरकत ही नहीं कर सकते। देखो कुछ क्राइम हुआ नहीं, लेकिन डिसीजन देखो कैसा है इनका लेने का, इनका मतलब अभी कुछ हुआ होता तो अब तक इन वो हो जाता बवाल। ये 4 नंबर गेट है, अभी 5 नंबर गेट जाना, पीछे है 6 नंबर गेट। हाँ मैं टैक्सी की बात कर रहा था ना, अभी अगर टैक्सी में अगर यहाँ पे कुछ हो जाता तो सोचो ये कानून कब का ही आ गया होता। अभी कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ये कानून ला रहे हैं यहाँ पे टैक्सी में, मतलब 6 कैमरे लगेंगे। ये देखो रात का अंदर पार्किंग, रात के टाइम पे भी इतनी लाइटें लगी है, ये जितने भी रेड लाइटें हैं ना, बारीक बारीक दिख रही है, उसमें गाड़ी रुकी है, जो ग्रीन है उसमें पार्किंग गाड़ी नहीं है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है वो। तो हाँ टैक्सी के बारे में बात कर रहा था मैं, लेकिन जो भी है भाई ज़बरदस्त है, यहाँ का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो अभी चलेंगे, वो आके रुकी होगी, लेके चलेंगे अभी घर उसको। लो बाहर का ये मलिक फात है, उस साइड में पीछे था ओलैया रोड, ये मलिक फात रोड है। थक गया हूँ भाई, बहुत खतरनाक थक गया हूँ, 3 बज रहा है टाइम रात के, अभी 7वां रोज़े की सहरी करना है हमको, तो अभी ब्लॉग नहीं कंप्लीट किया मैं, अभी मैं सहरी करने जा रहा था तो सोचा कि ब्लॉग कंप्लीट कर दूँ आज का, तो इसीलिए ब्लॉग कंप्लीट कर रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।